गुड्डन में बिचारी गुड्डन जी हाँ पूरी रात सोफे पर सोकर बिताई इन्होंने। नहीं नहीं एजे और इनके बीच में झगड़ा नहीं हो गया। वो क्या है ना कि घर की बेटी अगर रात भर घर से बाहर रहे तो चलिए सौतेली बेटी सही, लड़की तो लड़की होती है, माँ को टेंशन हो ही जाती है। गुड्डन को चिंता सता रही है अपनी सौतेली बेटी अलीशा की, क्योंकि अलीशा रात भर घर पर नहीं आई है और सुबह होते ही गुड्डन ने इस बात के लिए पूरा घर सर पे उठा लिया है। वो दादी से पूछ रही है, अपनी बहू लक्ष्मी से पूछ रही है कि आखिर अलीशा है कहाँ। अलीशा मेरी नज़र में तो काफ़ी गलत है। मुझे लगता है कि वो जो भी करती है जानबूझकर हमें हर्ट करने के लिए करती है, लेकिन गुड्डन को लगता है कि नहीं कोई और भी बात है, कुछ तो है जो छुपा रही है, कोई परेशानी उसको भी है। तो वो अब यही पता करने की हमारी जंग है कि एक्चुअली में सच क्या है, ट्रूथ क्या है। तभी विक्रांत अलीशा के साथ आते हैं और यहाँ आते ही उन्होंने कह दिया कि अलीशा रात भर बार में शराब पी रही थी। अलीशा बार में बैठ के शराब पी रही थी, लेकिन ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा है। हाँ, लेकिन अलीशा जैसे कुछ बच्चे बिगड़ैल नहीं हो जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं ना बच्चे, तो उनको माँ बाप का या उनके हस्बैंड्स का या फिर उनका फ़र्ज़ होता है कि उनको सुधारें। तो बस विक्रांत गोयल जो हैं वो अलीशा थोड़ी बिगड़ैल बच्ची हैं तो उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चाकू वाकू दिखाया गया था। विक्रांत की बात पर सबको यकीन है मगर गुड्डन को नहीं है, क्योंकि गुड्डन सेंस कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। गुड्डन सेंस कह रही है कि कोई तो है। गुड्डन सेंस आया कब? इस बार अगर जिंदल साहब आप निकले ना तो मतलब मैं सुसाइड ही कर लूंगी, कोई नहीं बचाए जो मेरे खिलाफ इस घर में ना खड़ा हो, सब मतलब एक एक करके। अच्छा गुड्डन, दादी ने भी मारे हैं मुझे चांटे, याद है मुझे, ऐसे भूलती नहीं हूँ मैं। सबसे बुरा तो मैं ही था शुरुआत से तुम्हारे साथ। तुमने तो मतलब तुम पर चेंज हो गए ना, पहले करना था। जनता के सामने अपनी आवाज रख रही हूँ। जनता वो जनता, आप किस किस को जनता। अब जनता तो जानती ही है कि आखिर अलीशा को कौन मजबूर कर रहा है और कौन गुड्डन के परिवार वालों को परेशान करने की साजिश कर रहा है, मगर गुड्डन को कौन बताएगा ये तो जनता भी नहीं जानती। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी इस आइडिया का कोई आइडिया ही नहीं है, इल्म भी नहीं है मुझे कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है विक्रांत वो मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल रहा है और उसका इतना बड़ा प्लान है नुकसान पहुंचाने का हमारे परिवार को, मुझको। तो फिलहाल तो मैं एकदम ब्लाइंड फेथ रखता हूं विक्रांत पे, तो आगे जाके पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल कहानी क्या है, तो तब देखेंगे क्या करना। तो न जाने गुड्डन कब विक्रांत का सच जान पाएगी और विक्रांत की साजिशों से अपने परिवार वालों को छुटकारा दिलवाएगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।